यस, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक, जो अगर आप परचेस और सेल्स गुड्स करते हो, मतलब योर कंपनी इज ट्रेडिंग कंपनी, आप ट्रेड करते हो, जिसमें आप गुड्स परचेस करते हो, पहले परचेस करोगे एंड देन यू सेल इट। ये जो गुड्स है इसको ही दूसरा नाम है स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास होता है इसका नाम होता है स्टॉक। और ये जो स्टॉक होता है इसी स्टॉक को अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनको बोलते हैं इन्वेंटरी, इन्वेंटरी। और इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, MGMT, आपके पास जब आप परचेस करो कितना स्टॉक परचेस किया है, कितना स्टॉक आपने सेल किया, परचेस और सेल्स करते वक्त कितना स्टॉक आपके पास अभी बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस आपके शॉप में, इसको बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्नीचर का शॉप है या कंपनी है, आपने चेयर्स परचेस किए, चेयर्स जब परचेस किया तो 100 चेयर्स परचेस किए, तो आपके पास अभी शॉप में स्टॉक कितना है या इन्वेंट्री कितनी है, कितने इन्वेंट्री चेयर्स का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इन योर शॉप, 100 ही है। देखो जो जो आपने परचेस किया वही है, बाद में आपने इसमें से सेल किया 40 चेयर्स आपने सेल कर दी है, सेल, तो अभी रिमेनिंग स्टॉक कितना है, 60। देखो तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, मतलब परचेस कितना किया, सेल कितना किया, अभी आपके पास बाकी कितना है, ये इन डिटेल रिपोर्ट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर और किसी पार्टी को आपको सेल करना है तो और एक ऑर्डर आ गया आपको, उसको चाहिए 100 चेयर्स और आपके पास देखो 60 है बाकी है, तो 40 चेयर्स आपको फिर से परचेस करने पड़ेंगे किसी और पार्टी से, वो जब आएंगे 40 चेयर्स तो ये दोनों मिला के 100 चेयर्स यू कैन सेल। तो इसके लिए टैली में ऑप्शंस होते हैं कि जब कितना परचेस कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, आपके पास स्टॉक बाकी कितना है, ये जो इसको ही बोलेंगे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको क्रिएट करना पड़ेगा स्टॉक, तो स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं आज देखने वाले हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? चलो चलो ये वाला देख देते हैं, सबसे पहले ये वाला कर देते हैं। तो कोई भी आप परचेस या सेल्स का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसके लिए एक पार्टी का नाम होता है एक परचेस गुड्स, और इसके साथ साथ आपको अभी ये फोल्डिंग चेयर्स, डेस्क, बेड्स, कंप्यूटर, जो चीजें आप परचेस करते हो, द गुड्स यू आर परचेसिंग फॉर सेलिंग, इसको भी क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे होता है, तो क्रिएट अल्टर चार्ट में, क्रिएट में जब जाते हो यहाँ पे, इफ यू यूज लेजर, आप लेजर बनाते हो, इसी तरह हम गुड्स भी पर बनाएंगे। तो पहले तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए ये जो ट्रांजेक्शन था परचेस का, इसके लिए हमने चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस ये लेजर बनाया है, सेकंड लेजर है परचेस गुड, लेकिन आपने अब तक स्टॉक नहीं बनाया है। अगर आप स्टॉक बनाते तो ये इधर दिखाई देता, परचेस गुड्स 10,000, फिर ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि क्या क्या परचेस किया, होल्डिंग चेयर्स, डेस्क, बेड्स, कितने, ये इधर ही पूछ लेगा आपको। ये कैसे होता है देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, देयर आर सम स्टेप्स टू डू इट। सो स्टेप वन फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और यू कैन राइट लाइक दिस, स्टॉक क्रिएशन। आपको पहले स्टॉक क्रिएट करना होगा। स्टॉक क्रिएशन के लिए स्टेप नंबर वन, गो टू फीचर्स, F11 फीचर्स। चलो अभी फीचर्स में जाएंगे, इन टैली फीचर्स को जाने के लिए आप डायरेक्टली F11 प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे, क्योंकि उसका शॉर्टकट है F11। ये देखो फीचर्स, सो इसको क्लिक कर दिया, मंगल ट्रेडर्स के फीचर्स। तो अब तक हमने सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यस रखा है, बाकी सब फीचर्स ऑफ किए थे। अभी आपको करना क्या है, ये जो इन्वेंटरी वाला ऑप्शन है, इन्वेंटरी नीचे मेंटेन इन्वेंटरी ये ऑप्शन है, इसको यस करना है, दिस वन। आगे से आप दो ऑप्शन यस करोगे, एक मेंटेन अकाउंट्स यस, दूसरा मेंटेन इन्वेंटरी यस।
इसके साथ साथ ये वाला इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इसको भी यस करेंगे। ये दो ऑप्शन यस होंगे, सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स यस, ओके, देन मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। सो सेटिंग में फीचर्स का जो सेटिंग है, फर्स्ट स्टेप सेटिंग में जाके, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेन इन्वेंट्री, इसको यस कर देंगे। एंड दूसरा ऑप्शन है इसमें से मेंटेन अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, ये दो ऑप्शन यस हो जाएंगे अभी। अब ये यस हो जाने के बाद क्या होता है देखो, अभी ये मैंने दो ऑप्शन यस कर दिए, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया इसको, एस्केप करके बाहर आ गया मैं। अभी देखो ये जो स्टॉक समरी का ऑप्शन है, अभी इसको ये एक्टिव हो गया इधर, स्टॉक समरी ये वाला जो ऑप्शन आपने यस किया है बिकॉज ऑफ दैट। तो देखो अगर मैं स्टॉक समरी में जाता हूं तो एक रिपोर्ट बनता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा कि आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है इन योर शॉप, लेकिन आपने अब तक स्टॉक क्रिएट किया ही नहीं, इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गया, गो टू फीचर्स, जो इस कंपनी का फीचर्स है उस कंपनी को सिलेक्ट कर दो, देन मेंटेन इन्वेंट्री यस एंड इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस, ये दो ऑप्शन यस करना है। इसके बाद अभी ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो व्हेन यू गो टू द ट्रांजैक्शन, ये वाला ट्रांजैक्शन अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें जो लेजर चाहिए, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस एंड परचेस गुड्स, दोनों लेजर वी हैव डन ऑलरेडी। अभी आपको क्रिएट करना है स्टॉक, ये देखो फोल्डिंग चेयर्स, डेस्क, बेड्स, ये क्रिएट करने हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर आप परचेस करोगे तो उसके लिए टैली में जाके देखो, फर्स्ट गो टू टैली, देन गो टू क्रिएट, स्टेप नंबर टू इधर लिख दे देते हैं। फर्स्ट स्टेप है फीचर सेट करना, सेकंड स्टेप नंबर टू क्रिएट स्टॉक, इसके लिए जाना पड़ेगा आपको क्रिएट मेनू में, क्रिएट ये कहाँ पे है, गेट वे ऑफ टैली GOT, क्रिएट में जाना है। सो द गेट वे ऑफ टैली आई एम गोइंग टू क्रिएट। अब इसके पहले हम लेजर इधर बनाते थे, अभी देखो नीचे आ गया इन्वेंटरी मास्टर्स, जिसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक है स्टॉक ग्रुप, देन स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड कोड आउट, ये सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है ये यूनिट, या गोडाउन भी कर सकते हो, किस गोडाउन में आप ये रखने वाले हो, लेकिन गोडाउन का ऑप्शन थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले स्टॉक क्रिएट करते वक्त फर्स्ट कर दो यूनिट, सो व्हेन यू क्रिएट स्टॉक, इसमें से फर्स्ट करना है आपको यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर। अब ये क्या होता है, कोई भी अगर स्टॉक आप परचेस कर रहे हो तो इसको काउंट करना पड़ेगा, मतलब आपका अगर मोबाइल शॉप है तो आपने ओप्पो के मोबाइल फोन, 10 मोबाइल फोन आपने परचेस कर दिए, या 12 कर दिए, 12 समझ लो आपका मोबाइल शॉप है, 12 मोबाइल्स आपने परचेस कर दिए, तो आप इसको काउंट कैसे करोगे। एक यूनिट होता है, फॉर एग्जांपल शुगर के लिए होता है केजी, 10 10 KG शुगर लिया, ऑयल के लिए लीटर्स होगा, तो मोबाइल्स के लिए क्या होगा, ऐसे हाउ कैन यू काउंट। यस, एक एक पीस भी काउंट कर सकते हो, पर पीस मोबाइल के आपने 12 पीसेस या 12 नंबर्स, नग बोलते हैं मराठी में इसको, नंबर्स ऐसे कर सकते हो, या अगर ये 12 है इसका मतलब ये डजन भी हो सकता है, एक डजन, राइट, मतलब हर हर गुड्स के लिए, जो भी गुड्स है आप परचेस करें उसके लिए आपको एक यूनिट बनाना पड़ेगा, ऐसे पीस, नंबर्स और डजन। सो लेट्स गो राइट हियर, देखो ये जो डेस्क है कैसे काउंट करोगे, लीटर्स में, बेड्स कैसे काउंट हो जाएंगे,
बेड्स, करेक्ट है, पीस, नंबर्स, ऐसे होता है। अगर 12 12 के ग्रुप में ले रहे हो तो उसको बोलेंगे हम डजन, राइट। शर्ट्स है, देखो ये जो शर्ट्स है 20 शर्ट्स है, 20 नंबर ऑफ शर्ट्स, ये नंबर हो जाएंगे या पीसेस हो जाएंगे इस तरह से। तो ये जो यूनिट है, हर एक स्टॉक आपको काउंट करने के लिए यूनिट होना जरूरी होता है। तो ये यूनिट सबसे पहले हम बनाएंगे टैली में। फॉर दैट लेट्स गो टू क्रिएट एंड इन्वेंटरी मास्टर्स में यूनिट का ऑप्शन है, इधर इधर क्लिक कर दिया। अभी टाइप है सिंपल, सिंबल में अगर आप केजी का यूनिट बनाओगे, केजी, तो केजी लिखो, ये इसका शॉर्टकट होता है, और इसका पूरा नाम फॉर्मल नेम के यहाँ पे लिखना है, किलोग्राम, ऐसे। ये देखो ये आपका यूनिट बन गया, पहले सिंबल केजी शॉर्टकट, उसके बाद उसका फॉर्मल नेम किलोग्राम, इसको एंटर कर देते हैं। मुझे मेरा जो ट्रांजैक्शन है ये वाला, इसके लिए मुझे चाहिए नंबर्स या पीसेस, तो वो ले यूनिट बनाने के लिए अगेन क्रिएट इन्वेंटरी मास्टर्स में यूनिट, आई वॉन्ट टू क्रिएट नंबर्स यानी नग, NOS इसका शॉर्टकट लिखा, इसके बाद नंबर्स पूरा लिखा, हो गया। पीसेस बनाना है, पहले शॉर्टकट PCS, NPICES पूरा नाम। आपको अगर लेटर्स बनाना है तो LTR, पहले उसका शॉर्टकट लिखो फिर उसका पूरा नाम लिखो, लेटर्स। किलोमीटर्स बनाना है तो KM देन किलोमीटर्स। तो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट यूनिट। डजन बनाना है तो पहले शॉर्टकट में डजन लिखो, DZ एंड DOZEN, डजन। तो इस तरह से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, यूनिट क्रिएट करो काउंट करने के लिए। सो एक बार यूनिट क्रिएट हो गया आपका, यूनिट ऑफ मेजर, स्टेप नंबर 2B, आपको क्रिएट करना है स्टॉक ग्रुप। अब ये स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं देखते हैं। चलो अगेन आई एम प्रेसिंग एस्केप की से बाहर आ जाओ, इन्वेंटरी मास्टर में नंबर स्टॉक, ये स्टॉक ग्रुप है, देखो इसको सिलेक्ट कर दिया। स्टॉक ग्रुप में ये होता क्या है, स्टॉक ग्रुप, ये देखो ये जो फोल्डिंग चेयर्स है, डेस्क है, बेड्स है, कंप्यूटर टेबल, इसको सबको हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर। तो ये फर्नीचर हो गया इसका ग्रुप, मतलब सेम टाइप के गुड्स अगर आपने साथ लिए उसको कुछ नाम नाम बोलते हैं, कॉमन नेम। ये फर्नीचर है, ये क्या है, शर्ट, शर्ट, शर्ट्स, क्या बोलेंगे इसको, क्लॉथ्स बोलेंगे या गारमेंट्स बोल सकते हैं, राइट। ये पेयर ऑफ सॉक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, सॉक्स। ये जो शूज की रिलेटेड सब कुछ है, आप इसको बोल सकते हो कि हाँ फुटवेयर, फुटवेयर बोल सकते हो, करेक्ट है, यस। सो ये जो ग्रुप होता है, जो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स यू आर परचेसिंग, इसको बोलेंगे हम ग्रुप। तो इधर सबसे पहले आपने यूनिट बनाया वो स्टॉक आइटम काउंट करने के लिए यूजिंग दिस। लेट्स गो टू स्टॉक ग्रुप नाउ। तो मेरा स्टॉक ग्रुप है फर्नीचर, फर्नीचर ये बना दिया, अंडर प्राइमरी, एंटर, एंटर हो गया। दूसरा चाहिए गारमेंट्स, तो ये गारमेंट्स कर दो इस तरह से। क्या आप बना सकते हो शर्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ शर्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ पैंट्स, देखो सिर्फ लिखना है, एंटर करके बाहर आ जाओ ऐसे। अगर आप फोन परचेस करते हो तो फोन में भी दो टाइप के फोन होंगे, स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन का एक ग्रुप बना दिया, इसके साथ साथ फीचर फोन जो नॉर्मल फोन होते हैं, फीचर फोन्स। इफ यू सेल टीवी, मॉल है तो सब कुछ होता है उसमें, तो यहाँ पे टेलीविजन का भी एक ग्रुप बना सकते हो, टेलीविजन ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप है, आपको ग्रुप बनाना है।
इसके बाद आ जाएंगे स्टॉक आइटम में, थर्ड स्टेप क्रिएट स्टॉक आइटम। स्टॉक कैटेगरी बाद में देखने वाले हैं। देखो नंबर, ये थर्ड स्टेप है सी, क्रिएट स्टॉक आइटम। एक्चुअल जो स्टॉक है, जो गुड्स है, ये अभी हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। सो टू क्रिएट दैट लेट्स गो टू क्रिएट, देन गो टू स्टॉक आइटम। सबसे पहले यूनिट बनाया, उसके बाद स्टॉक ग्रुप, नाउ वी आर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम का पहले नाम आएगा इधर, ये स्टॉक आइटम का नाम दे लेंगे। ये देखो ये मेरा स्टॉक आइटम फोल्डिंग चेयर्स है, सो आई एम सिलेक्टिंग दिस, कॉपी कर दिया एंड टैली में फोल्डिंग चेयर्स। ये एक्चुअली स्टॉक आइटम हम परचेज करेंगे और बाद में सेल करेंगे। सो एंटर, फिर से अंडर, ये देखो जब आप इधर अंडर के इधर आ जाते हो प्राइमरी, ये आपको पूछ रहा है ये क्या है फोल्डिंग चेयर्स, क्या ये फीचर फोन है, गारमेंट्स, पैंट्स या फर्नीचर है, क्या हो सकता है ये? तो आपको यहां से सिलेक्ट करना है फर्नीचर, सिलेक्ट तो फोल्डिंग चेयर्स अंडर फर्नीचर। फिर इसको यूनिट, इसके लिए यूनिट क्या यूज करोगे, डजन, केजी, किलोमीटर्स, लीटर्स, नंबर्स, पीसीस। आप इसको पीसीस या नंबर्स दोनों में से कोई भी ले जाए चलेगा, तो आई एम यूजिंग दिस नंबर्स नाउ। ये देखो इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है अल्टरनेटिव यूनिट कुछ है क्या, नहीं इट इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसे रख दो। और ये हमारा फर्स्ट स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया, फोल्डिंग चेयर्स। यही स्टॉक आइटम हमें, ये वाला जो आपने सॉल्व किया था, और सेकंड जो पेज है देखो यहाँ पे, ये रूलर है प्लास्टिक रूलर, अंडर रूलर, ये प्लास्टिक रूलर एक्चुअली स्टॉक आइटम है और ये ग्रुप है। ये नटराज पेंसिल स्टॉक है, ये ग्रुप है। देखो नोटबुक्स 100 पेजेस नोटबुक, और ये है ग्रुप। अगर मुझे ये वाला बनाना है, सो व्हाट आई कैन डू, सबसे पहले मैं टैली में जाऊंगा, इधर आई एम राइटिंग नोटबुक आगे लिखूंगा 100 पेजेस का, क्योंकि अलग अलग टाइप के ये होते हैं नोटबुक, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 40 पेजेस, लाइक दिस। तो ये है नोटबुक 100 पेजेस प्राइमरी, इधर मुझे इसको अंडर नोटबुक रखना है या स्टेशनरी। तो देखो ग्रुप नहीं है, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट इट राइट हियर, क्रिएट इट विल गो अंडर नोटबुक्स, एंटर। ये आप काउंट करोगे नंबर्स में, पीसेस में या डजन्स में, इट डिपेंड्स। तो ये कैसे मालूम होगा कौन सा लेना है यूनिट, ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं नीचे परचेस या सेल्स में। देखो नटराज पेंसिल्स को आपने परचेस्ड 1000 नटराज पेंसिल, 1000 मतलब 1000 पीस लिए है, डजन नहीं लिखा है। अगर वो डजन लिखते तो हम डजन ले लेते। इसी तरह ये देखो परचेस्ड 1000 यूनिट्स ऑफ 400 पेजेस नोटबुक लिखा है, मतलब ये आपको यहाँ पे नंबर्स लेना पड़ेगा, डजन में नहीं लिया है। सो नोटबुक 100 पेजेस वाला नोटबुक का स्टॉक बना रहे हैं हम, अंडर नोटबुक किया, यूनिट में सिलेक्ट कर दिया, नंबर्स या पीस इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया एंड कंप्लीट। इस तरह से आप स्टॉक आइटम बना सकते हो। अगेन आई एम क्रिएटिंग ये वाला, ये देखो बॉल पेन है, एड जेल पेन, ये A240 स्मूथ जेल, ये पेन का नाम है, यू आर बाइंग पेन एंड सेलिंग बिकॉज ये स्टेशनरी का शॉप है। तो ये है A240 स्मूथ जेल, ये है स्टॉक आइटम का नाम, स्मूथ जेल पेन है ये पेन, एंटर। फिर इसके अंडर क्या आएगा, ये तो बॉल पेन होगा या जेल पेन होगा, देखो यहाँ पे लिखा है एड जेल कंपनी का बॉल पेन है ये। सो पेन्स जो होते हैं उसमें भी बॉल पेन, इंक पेन और अलग अलग टाइप के पेन होते हैं, स्केच पेन। तो इसका एक ग्रुप बनाएंगे A240 स्मूथ जेल, इसका ग्रुप यहाँ पे इधर नहीं जाता है, तो लेट्स क्रिएट वन ग्रुप, क्रिएट, ये है बॉल पेन्स, गोज अंडर बॉल पेन्स, और इसको भी हम नंबर्स में काउंट करेंगे। जब आप स्टॉक आइटम बनाते हो तो सबसे पहले आपको स्टॉक आइटम का नाम लिखना पड़ेगा, ऐसे यू फर्स्ट राइट नेम स्टॉक
स्टॉक आइटम का, उसके बाद इसका स्टॉक ग्रुप लिखो, एंड देन थर्ड ऑप्शन इसका यूनिट लिखो इस तरह से। तो अगर आपको कोई स्मार्टफोन करना है तो आप वीवो V3 ये मॉडल नाम लिखा, इसके बाद इसका ग्रुप लोगे आप स्मार्टफोन ऐसे, एंड लास्ट में इसका यूनिट आप लोगे नंबर्स या पीसेस इस तरह से। कोई भी स्टॉक आइटम आप बना सकते हो। सो आई क्रिएटेड दिस वन। तो अभी फिर से हम इधर आ जाते हैं इस ट्रांजैक्शन में। फोल्डिंग चेयर बनाया था उसी तरह से डेस्क बनाएंगे। डेस्क कंट्रोल सी एंड ये डेस्क बनाते हैं। ऑलरेडी इसका ग्रुप हमने बनाया था फर्नीचर, फर्नीचर सिलेक्टेड, नंबर्स नॉट एप्लीकेबल, ये भी बन गया अभी स्टॉक। इसके बाद बेड्स बना देते हैं एंड अंडर फर्नीचर नंबर्स नॉट एप्लीकेबल। सेम होता है, स्टॉक क्रिएट करोगे तो पहले स्टॉक का नाम, फिर ग्रुप का नाम एंड देन यूनिट। इसके बाद है कंप्यूटर टेबल, कॉपी पेस्ट कर दिया, अंडर फर्नीचर कर दिया, ये भी नंबर होगा नॉट एप्लीकेबल। एंड लास्ट है टेबल्स, कॉपी टेबल कौन सा टेबल फर्नी, ये सब फर्नीचर है ना, तो आप डिसाइड कर सकते हो इसको किस में डालना है, टेबल या ये सब फर्नीचर ही है ऑल। फन सिलेक्टिंग नंबर्स, देखो पूरे स्टॉक आपने क्रिएट कर दिया अभी। तो जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो तो सबसे पहले यूनिट बना दो, क्योंकि जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो वहां पे यूज होता है वो यूनिट, इसीलिए पहले स्टॉक ये यूनिट बना दो, उसके बाद ग्रुप बना के रखो एंड देन गो टू स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो स्टॉक आइटम भी हमने क्रिएट कर लिया। ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन के लिए जो जरूरी स्टॉक आइटम है, फोल्डिंग चेयर्स, डेस्क, बेड्स, कंप्यूटर टेबल, सब कुछ क्रिएट कर दिया। इसके साथ साथ इस ट्रांजेक्शन के लिए चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस का लेजर प्लस परचेस गुड्स का लेजर दोनों भी बना दिए। अभी हम ट्रांजेक्शन में जा सकते हैं डायरेक्टली। तो जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे, स्टेप वन फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाके ये दोनों ऑप्शन यस करोगे तभी आपको इन्वेंटरी के ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके बाद जब आप स्टॉक क्रिएट करोगे, फर्स्ट यूनिट ऑफ मेजर, दूसरा है स्टॉक ग्रुप, थर्ड है स्टॉक आइटम। अभी इसका तीसरा स्टेप है एक, क्योंकि अभी चेंज होने वाला है थोड़ा सा ऑप्शन। तो जब आप परचेस और सेल्स के लेजर बनाओगे, परचेस गुड्स, परचेस अकाउंट्स एंड सेल्स अकाउंट्स, ये जो ग्रुप है इसके अंडर कौन कौन से लेजर बनते हैं, ये जो ग्रुप है टैली में, इसके अंडर आप बनाते हो परचेस गुड्स का लेजर, परचेस गुड्स। इसके बाद होगा परचेस गुड्स रिटर्न, ये बनता है। और सेल्स के अंडर क्या क्या बनते हैं, सेल्स गुड्स का एक लेजर बनेगा जब आप सेल करते हो, एंड सेल्स गुड्स रिटर्न भी बनेगा। तो इसके आगे जब आप लोग ये चार लेजर बनाओगे, परचेस गुड्स रिटर्न, सेल्स गुड्स, सेल्स रिटर्न, तो आपको क्या करना है, देखो मैं जा रहा हूं फिर से। आपने तो परचेस गुड्स पहले ही बनाया था, सो आई एम गोइंग टू अल्टर, ये देखो लेजर में जाएंगे, ये परचेस गुड्स का लेजर बनाया था। तो देखो परचेस गुड्स का लेजर है अंडर परचेस। अभी एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया इधर, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस, ये वाला ऑप्शन अभी यस होगा जब आप परचेस गुड्स सेल्स गुड्स की एंट्री करोगे। अगर मैंने इसको नो कर दिया, देखो ऐसे पहले तो ऐसे नो ये दिखाई नहीं देता था, ओनली परचेस गुड्स एंड ये ग्रुप दिखाई देता था। अभी आपने इन्वेंटरी का ऑप्शन यस कर दिए इसलिए ये वाला ऑप्शन आ गया। इससे फायदा क्या होता है अभी देखेंगे। यस ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ मैं अभी परचेस गुड्स रिटर्न का भी लेजर बनाऊंगा, क्योंकि कभी कभी आपको रिटर्न भी करना पड़ता है।
सो व्हेन यू क्रिएट परचेस गुड्स एंड परचेस गुड्स रिटर्न, परचेस गुड्स रिटर्न अंडर परचेस है, यहां पे आपको इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये वाला ऑप्शन यस रखना है। पहले ऑटोमेटिकली यस करके लेगा, कभी कभी ये नो हो जाता है, तो आपको ये ऑप्शन यस रखना पड़ेगा। सो लेट्स राइट दैट इन स्टेप नंबर थ्री हियर। सो स्टेप नंबर थ्री में क्या है, जब आप परचेस गुड्स रिटर्न, सेल्स गुड्स और सेल्स गुड रिटर्न ये चार लेजर बनाओगे, तब आपको यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये वाला जो ऑप्शन होता है इसको यस रखना है, इसको यस रखेंगे ऑलवेज। कभी कभी ये नो होता है, आपको वहां पे जाके यस करना पड़ेगा, ओनली फॉर दिस टू फोर लेजर, बाकी किसी को नहीं। तो ये वाला देखो, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस कर दिया है इधर। फिर किसको चाहिए, सेल्स गुड्स को, सेल्स गुड्स अंडर सेल्स हो जाता है ये, इसको भी ये जो इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रखना है, तो ये यस ऑलरेडी है, ऐसे ही रख रहा हूं मैं। नेक्स्ट लेजर है सेल्स गुड्स रिटर्न, ये लेजर क्यों बना रहे हो हम, क्योंकि हम परचेस करते हैं तो ये लेजर यूज हो जाते हैं, सेल्स करते हैं तो ये भी लेजर यूज हो जाते हैं। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस हो गया, पूरा सेटिंग हो गया। अभी हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट है फीचर्स में सेटिंग ऑन करना, सेकेंड स्टॉक आइटम क्रिएट करना, थर्ड जब आप परचेस और सेल्स के लेजर बनाते हो तो वहां पे इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन यस रखना है। तीनों स्टेप हो गए, नाउ वी कैन डायरेक्टली गो टू ट्रांजेक्शन। वाउचर में जाओ, गो टू परचेस, क्रेडिट में आएगा चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस। ये देखो, ये पहले वाला मैंने ट्रांजेक्शन किया था, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, नहीं तो रहने दो इसको। चलो, क्रेडिट में आएगा चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस। तो जब आप ट्रांजेक्शन बना रहे हो, इधर ये वाला ट्रांजेक्शन है, विदाउट डिस्काउंट हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले फोल्डिंग चेयर्स का कितना प्राइस हो रहा है, 400 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका 4000 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 20, कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज। ठीक है, इसका 3600, हाँ इसकी टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, देखो आपके पास होगा शायद, क्रिएट किया है, ये टोटल अमाउंट डालना पड़ेगा आपको। ओके, तो आपको करना क्या है, जो आप परचेस कर रहे हो पूरे स्टॉक का टोटल अमाउंट आएगा चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस के सामने। तो इधर देखो, ये हम करेंगे इधर, वेयर इज दिस, चलो कैलकुलेटर ओपन कर दो एंड टेल मी हियर। ये फोल्डिंग चेयर का तो 4000 हो रहा है, 4000 रुपीज, क्योंकि 400 रुपये का एक चेयर है, ऐसे 10 है तो ये 4000 हो गया। ये जो डेस्क है इसका कितना हो गया, 2500 का एक है तो 10 लिए तो 25,000 हो जाएगी, इसका 50,000 हो गया, 50,000। इसके बाद 15 बेड्स है, 3600, कितना हो रहा है बताओ, 15, देखो कैलकुलेटर ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, सी ओके, इसका 54,000 हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट हियर, 54,000 ये हो गया बेड्स का। कंप्यूटर, ये 10 कंप्यूटर टेबल्स, ये तो 40,000 हो जाएगा, 40,000, ठीक है। और ये 25 टेबल्स का कितना हो जाएगा, 3000 का एक, 75,000। ये देखो, तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है अभी, देखो टोटल कैलकुलेटर में मैं इधर कर रहा हूँ अभी। देखो पहले तो फर्स्ट का 4000 है, तो ये 4000 डाल दिया, 4000 प्लस, ये प्लस कर दिया 50,000 प्लस 54,000 प्लस 40,000
75,000, 75 इक्वल, तो टोटल अमाउंट हो रहा है 2,23,000, 2,23,000 रुपीज। सो ये अमाउंट इधर आ जाएगा 2,23,000। एंटर कर दिया, अभी डेबिट में आएगा परचेस गुड्स। जब आप परचेस गुड्स लोगे तो ये देखो टैली आपको पूछ रहा है अभी, ये जो परचेस गुड्स कर रहे हो, इन्वेंटरी एलोकेशन फॉर, क्या क्या परचेस किया, नेम ऑफ द आइटम, कितने लिए हैं, रेट क्या है, ये सब कुछ पूछ रहा है इधर। तो नेम ऑफ द आइटम क्या है, ये देखो फोल्डिंग चेयर्स है, फोल्डिंग चेयर्स। तो ये स्टॉक आइटम आपने ऑलरेडी बनाया है टैली में। जब आप नेम ऑफ द आइटम ये स्क्रीन पे आ जाओगे, यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दो, स्पेस बार, ये देखो पूरे आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, स्केल पेन है, बेड्स है, कंप्यूटर टेबल्स, फोल्डिंग चेयर्स, एवरीथिंग इज देयर। तो मुझे सिलेक्ट करना है अभी फोल्डिंग चेयर्स, इसको जो आप ऐसा कुछ आ रहा है तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दो। अभी देखो फोल्डिंग चेयर सिलेक्ट कर दिया मैंने, तो ऊपर दिखा रहा है क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी तो आपके ट्रांजेक्शन में उसका क्वांटिटी दिया है 10, ये है 10, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 10, एंटर। फिर इसका रेट क्या है, इसका रेट है 1 का 400 रुपया, सो रेट के नीचे डायरेक्ट रेट लिखना है। तो इसका 40,000, ये देखो 4,000 हो गया। अरे मैंने कुछ गलत किया है क्या, इधर 100 है क्या, अच्छा 4,000 है, मैंने यहाँ पे 40,000 लिया है क्या एक्चुअल कैलकुलेशन में, नहीं सही है शायद। ओके ये 4,000 इसका हो गया। इसके बाद एंटर, और एक एंटर कर दो, दूसरा स्टॉक आइटम क्या है, स्पेस बार, देखो ये स्टॉक आइटम आपका है दूसरा डेस्क, 20 डेस्क है, 20। तो पहले यहाँ से डेस्क सिलेक्ट करो, डेस्क, एंटर, क्वांटिटी है 20, एंटर करना है। फिर इसका प्राइस क्या है, 2,500, 2,500, देखो क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, रेट के नीचे रेट, एंटर कर दिया। इसका अमाउंट 50,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंटर कर दो, और एक एंटर, अगेन एंटर, नेक्स्ट नेम ऑफ द आइटम, नेक्स्ट नेम ऑफ द आइटम है हमारा बेड्स, इसको भी हमने ऑलरेडी बनाया है, स्पेस बार प्रेस करके आपको लिस्ट दिखाई देगा, यह है बेड्स, कितने बेड लिए हैं, 15 बेड, एक का प्राइस 3,600, तो ये है 15, एक का प्राइस है 3,600, तो देखो 54,000 हो गया। एंटर, अगेन एंटर कर दो। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है कंप्यूटर टेबल, सो स्पेस बार, इधर आ गया कंप्यूटर टेबल, इसका क्वांटिटी कितना है, 10, क्वांटिटी है 10 एंड रेट है 4,000 रुपीज, तो रिटर्न 4,000 रुपीज। और लास्ट टेबल्स है, सो आई एम सिलेक्टिंग टेबल्स, टेबल सिलेक्ट कर दिया। टोटल टेबल्स कितने लिए हैं, 25, एक का प्राइस है 3,000 रुपीज, सो 25 हियर, दिस इज 3,000, एंटर कर दिया, 75,000, अगेन एंटर, पूरे स्टॉक हो गया। देखो टोटल यहाँ पे 80 नंबर्स दिखा रहा है और टोटल अमाउंट है 2,23,000, एंटर कर दो। और कोई स्टॉक आइटम जब यहाँ पे नहीं है, अगेन एंटर करना है, तो ये यहाँ से बाहर आ जाता है। नाउ यू कैन सी राइट हियर परचेस में चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस से ये आपने इतना परचेस किया है 2 लाख का, इस 2 लाख का आपने क्या क्या परचेस किया ये आपको इन डिटेल दिखाई देता है इधर। फोल्डिंग चेयर्स कितने लिए हैं, एक का प्राइस क्या है, उसका टोटल कितना हो गया, सो इन डिटेल आपको ये समझ में आता है। फिर आपको इस नरेशन में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट प्रेस एंटर की एंड गो आउट। तो परचेस का और सेल्स का ऐसे ही हो जाएगा अभी एंट्री। तो अगर आप ये ऐसे एंट्री बनाते हो, व्हेन यू गो टू द स्टॉक समरी, आपके पास अभी कितना स्टॉक है, देखो फर्नीचर का, इसको एंटर कर देता हूँ, फोल्डिंग चेयर्स, ये पूरा फोल्डिंग चेयर, डेस्क, ये सब दिखा रहा है इधर साथ में टुगेदर। अगेन ये देखो इधर मैं अगर Alt F1 कर देता हूँ, तो ये ऐसे दिखा रहा है फोल्डिंग चेयर्स।
और एक एंट्री कर देते तो आपको समझ में आएगा क्या होता है इधर। चलो और एक एंट्री बना देते हैं, कौन सी, स्मॉल वाली, ये देखो शर्ट वाला बना देते हैं, ये सीता सन्स परचेस गुड्स है, सीता सन्स, हम शर्ट्स परचेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो शर्ट है टी शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स एंड फॉर्मल शर्ट्स, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले लेजर बना देते हैं, लेट्स गो टू क्रिएट लेजर सीता सन्स अंडर सनरे क्रेडिटर। परचेस गुड्स का लेजर आपके पास ऑलरेडी रेडी है, नो नीड टू क्रिएट। चलो जाएंगे फिर क्रिएट में, सबसे पहले यूनिट तो रेडी है, स्टॉक ग्रुप भी रेडी है, सिर्फ आपको स्टॉक आइटम बनाना है। सो स्टॉक आइटम में जाएंगे, पहले तो बना रहा हूँ मैं टी शर्ट्स, टी शर्ट्स क्या होगा अंडर, ये देखो शर्ट्स का मैंने एक ग्रुप बनाया है इधर, अंडर शर्ट्स, ये लेंगे पीसेस, एक पीस दो पीस ऐसे, टी शर्ट बना दिया। इसके बाद कैजुअल शर्ट, एक्चुअली ट्रांजेक्शन में नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको समझ में आने के लिए ये बना रहा हूँ, ऐसे अंडर शर्ट्स पीसेस, ये भी हो गया, और लास्ट है फॉर्मल शर्ट। अंडर शर्ट्स दिस इज नॉट एप्लीकेबल, स्टॉक आइटम रेडी हो गया। अभी इसके बाद हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में, वाउचर जाना है परचेस वाउचर में, क्रेडिट में आएगा सीता सन्स। इसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, ये 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, 10,000 हो जाएगा, इसका 15,000 हो जाएगा, और ये है 15,000, 15 15 30 एंड 40,000 होता है टोटल। देखो सो आई एम राइटिंग हियर 40,000 अमाउंट लिखा, एंटर। जब अभी परचेस गुड्स आएगा तो ये पूछेगा कि क्या क्या परचेस किया है, परचेस गुड्स नेम ऑफ द आइटम क्या है। तो पहला टी शर्ट है, सो मैंने टी शर्ट सिलेक्ट कर दिया, कितने टी शर्ट्स है, 20, एक का प्राइस है 500, सो क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिखा, रेट के नीचे रेट लिख दिया, ये देखो 10,000 हो गया इसका, एंटर कर दो। और से और एक एक बार एंटर करना है, ये हो गया टी शर्ट का, एंटर करना है, नेक्स्ट लेना है आपको कैजुअल शर्ट्स, सो सिलेक्ट कैजुअल शर्ट्स हियर, ऐसे इसका क्वांटिटी क्या है, कैजुअल शर्ट्स का है 30, आई एम राइटिंग 30 हियर, इसका रेट क्या है 500 अगेन, सो 500, इसका 15,000 हो गया, अगेन एंटर प्रेस कर दो। नेक्स्ट है फॉर्मल शर्ट्स, कितने हैं 15, क्वांटिटी है 15 एंड रेट है 1,000 रुपीज, एंटर कर दिया, अगेन एंटर, तीनों क्वांटिटी हो गए, तीनों गुड्स हो गए, एंटर कर दो। पहले आपको और एक कुछ है क्या पूछेगा इधर, नेम ऑफ द आइटम, और कुछ नहीं है तो सिर्फ एंटर कर दो, बाहर आ जाओ। तो अभी आपको ये इन डिटेल दिखा रहा है, इधर सीता सन्स ने अपने 40,000 का परचेस किया, जिसमें टी शर्ट 20 है, कैजुअल शर्ट 30 है, फॉर्मल शर्ट 15 है, इस तरह से इन डिटेल एंट्री हो गया, कंप्लीट कर देते हैं। लेट्स गो एंड सी द स्टॉक समरी, ये स्टॉक समरी जाके देखते हैं, स्टॉक समरी के लिए पीरियड चेंज कर देते हैं, मैं एक देख लेता हूँ क्या हो रहा है। एक्चुअली ये जो यहाँ पे स्टॉक समरी में फर्नीचर और यहाँ पे आ जाना चाहिए गारमेंट्स का, दोनों साथ में दिखाता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करके एंट्री करना होगा।